नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। अयोध्या में इंडिया 24/7 लाइव टीवी की खबर का हुआ असर। दरअसल बीकापुर के अंतर्गत ग्राम वासदेवपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के भाई जितेंद्र यादव ने पुलिस पर FIR न लिखने पर अपनी बहन का दाह संस्कार न करने का बयान इंडिया 24/7 लाइव टीवी को दिया था, जिसे चैनल ने प्रमुखता से चलाया था। जिसके बाद अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया। उसके बाद तत्काल कोतवाली पुलिस ने अपराध संख्या 553/20 धारा 306 498A के तहत FIR दर्ज करते हुए 48 घंटे के अंदर सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू यादव की रिपोर्ट। बहन की परिस्थितियों में मौत हो गई और हमने वहाँ पे पहुँचने के बाद उसके बाद बीकापुर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया। उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इंडिया 24/7 टीवी पे खबर चलने के बाद तत्काल FIR दर्ज करते हुए 48 घंटे के अंदर सभी नामजद करते हुए जेल भेज दिया। उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तत्काल हमें न्याय मिला। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में बीजेपी के वर्तमान विधायक रोशनलाल वर्मा ने SP ऑफिस में जमकर हंगामा किया। बता दें कि पूरा मामला थाना निगोही का है। दरअसल निगोही थाना अध्यक्ष ने कल 3 लोगों को पकड़ लिया था। वहां विधायक ने उन तीनों की सिफारिश के लिए SP सिटी के पास पहुंचे, जहां तीनों लोगों के शरीर पर चोट के निशान देखे गए, जिससे विधायक आक्रोशित हो गए और पीड़ित परिवार को धरने पर बैठा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे COSDM ने विधायक को शांत कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। साथ ही SP ने सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर SP सिटी को मामले की जांच सौंपी है। वहीं विधायक का कहना है कि वह इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के खिसरहा थाना क्षेत्र के पचमोहनी तिराहे से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीती रात खिसरहा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ वहां चेकिंग कर रहे थे, तभी एक स्कूटी सवार वाहन चेकिंग होते देख गाड़ी मोड़कर तेजी से भागने लगा। उसी दौरान पुलिस टीम ने पीछा कर उस युवक को पकड़ा और तलाशी ली, तो एक चोरी की लाइसेंसी पिस्टल, 2 कारतूस, चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पकड़ा गया हिस्ट्री सीटर खिसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर का रहने वाला है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने बताया कि इसके खिलाफ लखनऊ में 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। अब अन्य जिलों से भी इसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच की जा रही है। वहीं इसे गिरफ्तार करने वाली टीम को ₹5,000 से पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत किया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। ये विगत रात में थाना खिसरहा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिनकी जामा तलाशी करने पर उनके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर फैक्ट्री मेड बरामद हुआ, जिसका बाद में जांच में वो लखनऊ से चोरी पाया गया। उसके अतिरिक्त जिस स्कूटी पे वो सवार थे, वह स्कूटी भी लखनऊ से 2014 में चोरी की गई थी। इस प्रकार उनके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और एक चोरी की स्कूटी, ये दोनों बरामद हुए। जो अभियुक्त है अमरजीत, ये थाना खिसरहा का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर पहले से चोरी के दर्जनों मुकदमे हैं। इस जनपद में इनकी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, किंतु लखनऊ और बाकी जनपदों में इनके ऊपर चोरी के काफ़ी मुकदमे हैं। इनके द्वारा पूछताछ में कई मुकदमों में अपनी संलिप्तता के संबंध में जानकारी दी गई है। इसको आगे डेवलप किया जा रहा है और संबंधित जनपद के साथ सूचना का आदान प्रदान करके चीज़ें और आगे स्पष्ट हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सरकारी राशन की दुकानों की फिंगरप्रिंट मशीनें खराब होने के कारण राशन वितरण नहीं हो पा रहा, जिसके लिए महमूदाबाद के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर विशेष संपर्क प्रमुख उत्तम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और महमूदाबाद पूर्ति निरीक्षक अधिकारी से आश्वासन मिला कि मशीनें सीतापुर सही कराने के लिए भेज दी गई हैं और जल्द ही मशीनें ठीक कराकर सभी कोटेदारों को वापस कर दी जाएंगी, जिससे सभी कोटेदार आसानी से सभी को राशन कर सकेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट। इसके बारे में मेरा यह कहना है कि कोटेदार द्वारा कार्यालय में सूचना दी जा चुकी है कि उसकी मशीन गड़बड़ है, जिसको सीतापुर बनने के लिए भेजा गया है। मशीन आते साथ में वितरण शुरू करा दिया जाएगा।
कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनपद सुल्तानपुर में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। डीएम सी इंदुमती का आदेश है, सख्ती से पालन कराने हेतु पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अभ्युदय प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।